इस तेंदुए को जरा ध्यान से देखिए। लंबे वक्त से उत्तर प्रदेश का बागपत इलाका इस तेंदुए के आतंक से दोचार था, लेकिन जैसे ही ये तेंदुआ छपरौली थाना क्षेत्र के काकोर गांव की तरफ आया, इसकी हेकड़ी काफूर हो गई। गांव वालों की किस्मत अच्छी थी कि शिकारियों के पहले से बिछाए जाल में ये तेंदुआ आ फंसा। तेंदुआ ये इसी जंगल में पता नहीं कब से होगा, एक शिकारियों ने कोई खटका लगा रखा था जिसमें ये जंगली सुअर या दूसरी चीज पकड़ लेते हैं शिकारी लोग, इन्होंने इसमें ये दबा रखा था, इसमें आने के इसका पैर फंस गया। और पैर फंसने के बाद जब किसान अपने खेत में आए सुबह, तो उनको जानकारी हुई देखने के बाद कि इसमें ये तेंदुआ फंसा हुआ है। ये तेंदुआ इस इलाके में पिछले 15 दिन से घूम रहा था। यमुना खादर के आसपास इस तेंदुए ने कई शिकार भी किए, खासकर मवेशियों और छोटे जानवरों को इसने शिकार बनाया। इस दौरान गांव वालों ने तमाम आला अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी इन्हें मदद नहीं मिली। दहशत थी इसकी। कितने दिन से घूम रहा था ये? 15 दिन से लगातार देख रहे थे। कब हिरण खाए 2-3 इसने। जो किसान है उनकी जान पर बनी हुई है, किसानों ने अपनी जान पर खेल कर इसको पकड़ा है। कोई भी विभाग या अधिकारी कोई यहाँ नहीं आया, डिस्ट्रिक्ट संबंधित अधिकारी कोई नहीं आया। तेंदुए की धरपकड़ के बाद गांव वालों ने पुलिस और वन विभाग को घटना की सूचना दी, लेकिन वन विभाग के लेट लतीफी की वजह से गांव वाले बेचारे तेंदुए को इसी तरह घंटों लाठी डंडे से ऐसे ही दबाकर बैठे रहे। ये हालात इस तेंदुए के लिए जानलेवा हो सकते हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन तो समय से आ गया, उसके बाद कोई भी अधिकारी वन विभाग या कोई जो इसको पकड़ने में सक्षम हो, वे कोई भी अभी तक यहाँ पर नहीं आए। इसको ग्राम वाले जो ये लड़के हैं ये ही दबा के बैठे हैं। अब तक मेरे ख्याल में 4 या 5 घंटे हो गए होंगे इनको दबाए बैठे हैं तेंदुए को। अभी तक ये काबू में नहीं करा किसी वन विभाग वाले ने या जिला प्रशासन के किसी अधिकारी ने। सवाल यह है कि इन हालात में अगर तेंदुए की मौत हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? बहरहाल लापरवाही के आरोप पर वन अधिकारियों की सफाई भी सुन लीजिए। गांव वालों का आरोप है कि आपके पास पूरे संसाधन नहीं है, ये 6 घंटे से यहाँ पड़ा हुआ है। नहीं, संसाधन मैंने बाहर से कर लिया था, यहाँ 22 दफे बाहर चले जाते पिंजरे, तो मैं पिंजरे में बाहर से ला कर मंगवा लिया है। इसको जो है ये पिंजरे में हम इसको ले जाएंगे, इसको डॉक्टर टीम बुला के इसको इंजेक्शन लगवा दिया है, उठा के इसको यहाँ से ले जाके जो आरक्षित जंगल हमारे हैं उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार वहाँ उसको छोड़ दिया जाएगा सकुशल। वन विभाग का कहना है कि मेडिकल जांच में सब कुछ दुरुस्त पाए जाने पर इस तेंदुए को रेस्क्यू कर वापस इसकी कुदरती रिहाइश में छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।